निर्भयास्तत्स्वरूपम् कल्याणी काणवाणी विमृशति मधुरम् वीणयन्ती च तत्त्वम् तत्पूर्णानन्दतीर्थे मधुं वयम् निर्भयम् भगवान को प्रसन्न करना कुछ कठिन नहीं है। इस मूड में श्री कृष्ण अर्जुन से बातचीत कर रहे हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम् माने समर्पित करने के लिए कोई भारी भरकम वस्तु नहीं चाहिए, भाव चाहिए, भक्ति चाहिए। और कोई यज्ञ जागादि रूप बहुत बड़ा कर्म भी नहीं करना चाहिए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए न बड़ी वस्तु चाहिए और न तो कोई बड़ा काम चाहिए, न कोई ऊंची जाति चाहिए। समूहम सर्वभूतेषु, न उनके लिए कोई बहुत पुण्यात्मा होने की जरूरत है, न स्त्री पुरुष का कोई भेद है, न सुंदरता कुरूपता का भेद है। बड़े सुगम हैं भगवान, आओ आओ, हमारा दरवाजा सबके लिए खुला है। इस बात के लिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम तो कह ही दिया, और ये कह दिया कि मैं खाता हूं। अश्नामि प्रयत आत्मनः, खा जाता हूं, भोग लगाता हूं, इसका मतलब है भोग लगाता हूं, आरोपता हूं। अच्छा, तो आपके लिए करें क्या? वस्तु तो आपको नहीं चाहिए, क्योंकि सब वस्तुओं के मालिक तो आप ही हैं, आपकी हैं, आप नित्य तृप्त हैं। वेदांतियों के भगवान तो कुछ खाते पीते भी नहीं हैं, भक्तों के भगवान खाते हैं, वेदांतियों के नहीं खाते। न तदस्नाति किंचन, न तदस्नाति कश्चन। श्रुति कहती है कि परब्रह्म परमात्मा कुछ खाता नहीं है और उसको भी कोई खाता नहीं है, न वो किसी का भोक्ता है और न किसी का भोग्य है। पर भक्तों का जो भगवान है वो तो महाराज चोरी करके भी खा ले, ऐसा कितना बढ़िया भगवान है। एक आचार जाते हैं, कहते हैं हम किसी का चूहा पानी नहीं पूते हैं, हम किसी का खाते नहीं हैं, हैं? और एक आचार जाते हैं, वो कहते हैं भाई हम तो भिक्षा मांग के सबके घर में खा लेते हैं। और कोई कहेगा हम तो ब्राह्मण नहीं हैं, तो इनको कैसे खिलावें? बोले बाबा हम तो भिक्षा की रोटी खाते हैं। ये दोनों रीति है, वो कोई सिंहासन पर बैठते हैं और कोई धूल में बैठते हैं, तो वो सिंहासन पर बैठने से बड़े नहीं हो जाते और वो धूल में बैठने से छोटे नहीं हो जाते। ये दोनों लौकिक है, लोक संग्रह की रीति है। और जब गरीब लोग देखते हैं ये घर से छोड़ के सब कुछ आए और अब सिंहासन इनको मिल गया, तो कितना बड़ा प्रारब्ध है इनका, विश्वास होता है प्रारब्ध पर। और कहिए कहिए देखो कितने बड़े त्यागी हैं कि इनको गद्दा बिछाना कुछ की जरूरत नहीं है, हम लोगों के पास तो इनसे ज्यादा है तब भी दुखी रहते हैं और इनके पास बिल्कुल नहीं है तब भी सुखी हैं। तो संतोष जो है वहां प्रारब्ध से संतोष मिलेगा,
और यहाँ त्याग से संतोष मिलेगा, दोनों से जनता को संतोष ही प्राप्त होता है। और उसमें कुछ भेदभाव करने की, राग द्वेष करने की जरूरत नहीं है। अब रही बात ये कि जो बड़े आदमी हो उसको तो भगवान मिले और छोटे को न मिले, तो बड़े आदमी क्या उनको कोई हीरा मोती दे देगा? सो कुछ नहीं है, ये देते भी हैं तो बहुत थोड़ा देते हैं। वो उनके घर में 10 करोड़ की वस्तु होगी तो वो भगवान के लिए यदि 5,000 की या 5 लाख की वस्तु यदि समर्पित कर देंगे तो समझेंगे कि हमसे बड़ा आप भक्त और कोई नहीं है। भला बताओ, 10 करोड़ तो अपने लिए रखा है, 5 लाख भगवान के लिए देता है और अभिमान ठोकता है अपने भीतर इतना बड़ा। तो भगवान के लिए वस्तु की आवश्यकता नहीं है, भक्ति की आवश्यकता। महाभारत में इसका नाम नारायणीय धर्म है, नारायणीय पर्व ही है, एक अनुशासन पर्व के अंतर्गत छोटा सा पर्व है नारायणीय पर्व। इसको बोलते हैं भागवत धर्म। यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। अच्छा, तो आपके लिए काम क्या करें? चीज तो हम समझ गए कि आप सारी दुनिया के मालिक हैं, सब आपकी है, हम क्या देंगे। और असल में लोगों की चीजों से इतनी ममता होती है, बाजार में खरीदने जाओ ना कि सुपारी चाहिए, कसैली, उगी फल, तो बनिया पूछेगा कि घर में खाने के लिए चाहिए कि देवता को चढ़ाने के लिए चाहिए। देवता को चढ़ाने के लिए सस्ती हो सड़ी सुपारी। तो यह करो यदश्नासी, आपके लिए काम क्या करें? तो बोले कि कुछ खास काम करने की जरूरत नहीं है, ये भागवत धर्म की विशेषता है। यदि आप धर्म करोगे तब आपको अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार शास्त्रोक्त विहित कर्म करना पड़ेगा, लेकिन भगवान के लिए तो लौकिक हो, वैदिक हो, स्वाभाविक हो, जो भी अपने शरीर आदि से हो रहा है काम, वही भगवान के प्रति अर्पित होता है। ये भागवत धर्म है, इसका नाम धर्म। में बाह्य यज्ञ जागादि का अनुष्ठान है और योग में अंतर याग है, भीतर है। परंतु भागवत धर्म में बाहर भीतर ऐसा वैसा सब, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनावानुसृतस्वभावः करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। इसका नाम है भागवत धर्म। हम लोगों को बचपन में ही सिखाया गया था, यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ था, क्योंकि भागवत धर्म के लिए यज्ञोपवीत संस्कार की आवश्यकता नहीं है। हो गया हो बढ़िया, न हुआ हो बढ़िया, जब भोजन करने बैठते तो ये अभ्यास डाला गया था, हाथ में जल लेके और ये कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा ये श्लोक बोलते और बोल के करोमि करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि समर्पये तत्। बस जल छोड़ दिया, चाह थाली के चारों ओर जल घुमा के छोड़ दिया। बोले भाई अब भगवान को भोग लग गया, अब इसका भोग, अब ये भोजन कर सकते हैं। फिर भोजन करते तो प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, पांच आहुति दे के तब भोजन करते, पंचाहुति बोलते हैं। तो भोजन भी होम हो जाता, तो भोजन धर्म हो गया और समर्पित करने से भोजन भागवत धर्म भक्ति हो गया।
तो कौन सा धर्म भगवान को अर्पित करना? बोले काये न, जत जत करोति तत तत नारायणाय इति समर्पयेत। शरीर से जो काम हो, काये न, वाचा वाणी से जो बोले, मन से जो सोचे, इंद्रियों से जो देखे सुने, जहां जाए जो करे, बुद्धि से जो विचार करे, आत्मना अहंकार जिस बात का करे और जिसकी आदत पड़ गई हो, अनुसृत स्वभाव, जो जो कुछ करे सो भगवान के प्रति अर्पित कर दे। तो मूल प्रश्न ये होता है इसमें कि निषिद्ध कर्म जो है उसका समर्पण हो सकता है कि नहीं। तो धर्मात्मा लोग कहते हैं कि जो निषिद्ध कर्म है, चोरी है, जारी है, जुआ है, शराब है, ब्रह्महत्या आदि पाप हैं, ये तो सर्वथा निषिद्ध हैं। वो तो भक्त अभक्त सबके ही लिए निषिद्ध हैं। निषिद्धानि वर्जयन् विहितानि कुर्वन् भगवन्तम् आराधयेत्। निषिद्ध कर्म छोड़ के और विहित कर्म करते हुए भगवान की आराधना करनी चाहिए। तो जो सर्वत्र वर्जित है, जैसे शराब पीना है, ये बुद्धि का भ्रंशक है, वो तो मादक है। जुआ खेलना जो है वो लोभ जनक है, लोभ पैदा करके वो चोरी बेईमानी में लगा। लोभ जनक होने से और पुरुषार्थ भ्रष्ट करने से आदमी काम करके नहीं फालतू पैसा लेना चाहेगा, तो जुआ पौरुष को नष्ट करता है और लोभ को पैदा करता है। जुआ पाप है, स्पष्ट हो गया, बिना किए मिल जाए, आलसी लोगों का काम है। और अब आया, अब आया, अब आया, और सर्वस्व का नाशक है। ऐसे शराब जो है वो बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। न सुराम पिबेत, सर्वथा निषेध है। ब्रह्माच सुरापाई महापाप है, तो ये तो भगवान को अर्पित नहीं होता। यद विहितम वा स्वाभाविकम वा करोषि, जो अपने लिए आज्ञा से शास्त्र और सदगुरु सत्संप्रदाय की आज्ञा से प्राप्त है, वो जो भी कर रहे हो, अथवा यत स्वाभाविकम करोषि, और जो स्वाभाविक कर रहे हो, तत् पुरुषम दर्पणम, हमको अर्पित करो। हम चित्रकूट गए थे, तो वहाँ कोई गांव का आया था यात्री, यात्री मंदाकिनी में स्नान किया, ब्राह्मण ने कहा कि गोदान करो, चित्रकूट में आने पर यहाँ गोदान करना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ तो वन है, गायों के लिए सुख है। उसने कहा कि बाबा हमारे पास तो गोदान के लिए पैसा नहीं है। बोले अच्छा 5 रुपए का कर दो गोदान। उसने कहा 5 तो है ही नहीं, घर में कैसे पहुँचेंगे। कहा अच्छा 1.25 रुपए का कर दो। तो 1.25 रुपए भी दे देंगे तो बस का किराया नहीं बचेगा। कहा अच्छा 1.25 आना दे दो। बोले वो भी नहीं है। तो वो नहीं है तो नरक में जाओगे, चित्रकूट में आके गोदान नहीं कर सकते। तो तब क्या करें? तो तुम गोदान का संकल्प यहाँ कर जाओ और हम तुम्हारे घर पर कभी आवेंगे तो ले लेंगे, और नहीं करोगे तो हम ब्राह्मण होके तीर्थ पुरोहित होके तुम्हारा नुकसान कैसे हो दें, करने दें, पाप लगेगा तुमको, नरक में जाओगे, और हम तुमको नरक से बचाना डाल लेंगे। तो मांगने वाले जो है ना, शास्त्र में 3 प्रकार का अन्न वर्जित है। वो एक तो गणान्न, चंदे से जो अन्न आता है वो वर्जित होता है खाने में, और गणिकान्न, वेश्या का जो अन्न है वो वर्जित है। गणान्न, गणिकान्न और राजान्न, जो राजा का अन्न होता है तो वो भी खाने का नहीं होता है। और यदि धर्मात्मा पुरुष राजा का अन्न खाएगा, 8 लेगा ना, 8 लेके पढ़ावेगा,
तो वो न्याय की बात नहीं पढ़ा सकेगा, राजा का पक्षपाती होना पड़ेगा। हम मान लो एक साधु है, उसको पेंशन मिलती है, हमारे पास एक है उनको पेंशन मिलती है। अब वो यदि सरकार के विरुद्ध कुछ भी बोल दें, न्यायोचित भी बोल दें, और तो उनकी पेंशन बंद हो जाएगी, छिन जाएगी, वो कैसे बोलेंगे बेचारे हैं। तो सरकार से पेंशन लेके नहीं खाना चाहिए। गणान गणिकान और राजान, ये चंदे का जो अन्न है, और साधुओं के आश्रम में जो अन्न आता है, सीताराम प्रसाद ले लो, वो बात दूसरी है। वो नहीं तो जब कोई मरने लगता है ना, तब उसके हाथ से अन्न या पैसा छुआते हैं, और वो उसके बाद साधुओं के आश्रम में। हाँ, बहुत इसके बारे में बहुत सोच विचार करो श्री, तुम क्या काम करते हो। करने के पहले सोच रहे दिया कि इससे भगवान प्रसन्न होंगे, संकल्प किया कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, करते समय भगवान की याद आई कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं। अच्छा भाई, कुछ नहीं किया। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने लिखा, कृत्वा वा समर्पयत, करिष्यमाणम समर्पयत, कृत्वा वा समर्पयत, जो आगे करना है उसको भगवान के प्रति समर्पित कर दो, अथवा करने के बाद समर्पित कर दो, तब वो निष्काम हो जाएगा। भगवान उसका फल दें कि न दें, हमने तो अपना काम किया और भगवान को अर्पित कर दिया। क्योंकि जो हमारे वेदांतियों के भगवान हैं, वो तो किसी का कुछ लेते देते नहीं है। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु, अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवा। लेना देना तो अज्ञानी का काम है। बोले भाई ठीक है, तुम ज्ञानियों के लिए रहो ब्रह्म जी, है? हम तो सगुण होके आए हैं अज्ञानियों के लिए, इनका काम बनाएंगे। तो यत करोषि, अरे यदश्नासी, जो भोजन करते हो भगवान को अर्पित करके भोजन करो, तो इससे अन्नगत जो दोष है वो नहीं लगेगा। अब आर्य समाज ही तो अन्नगत दोष को मानते ही नहीं है। एक बार स्वामी दयानंद जी कहीं भोजन कर रहे थे, तो एक ने आके कहा कि स्वामी जी आप नाई की रोटी खाते हैं। तो स्वामी दयानंद जी हंस गए, बोले कि नाई की रोटी कहाँ है, रोटी तो गेहूं की है। रोटी नाई की नहीं है, गेहूं की है। बोले कि आप नाई की रोटी खा रहे हैं। बोले हम नाई को कूट पीस के यदि उसकी रोटी बनाएंगे और खाएंगे तो सरकार हमको फांसी पर चढ़ा देगी। हम नाई की रोटी नहीं खाते, गेहूं की खाते हैं। यदश्नासी, उसमें भी जो उचित है वही खाना चाहिए। हो यदश्नासी यज्जुहोसी, जो श्रौत स्मार्त हवन करते हो, यज्जुहोसी ददासी जत, जो दान करते हो। दान जो होता है विद्वेतु, श्रद्धा और शक्ति उसके हेतु होते हैं। हेतु षडधिष्ठानम, देश काल पात्र श्रद्धा, ये उसमें अधिष्ठान होता है। तो षड विपाक जो छे उसके नतीजे होते हैं, दान के छे तरह से दिया जाता है। श्रद्धा से दिया जाता है, हर्ष से दिया जाता है, भय से दिया जाता है, काम बनाने के लिए प्रयोजन के अनुसार दिया जाता है, अनेक संबंध से दिया जाता है। ये नहीं, दान शुद्ध सात्विक दान, भगवान के नाम पर जो भी दे दो बाबा चलो। यत तपस्यसि कौन्तेय, जो तपस्या करते हो, तपश्चरसि, जो तपस्या करते हो। भगवान ने कहा देखो हमारा हाथ तो फैला हुआ है, तो जब बलि के हम मांगने के लिए पहुंच गए बाबा, मांगते हैं भगवान मांगते हैं, उनको कोई मांगता कहे तो उनको कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि गोपियों से मांगने की आदत पड़ गई। हे गोपी, एक लोदा माखन दे दे, है और थोड़ा सा दही दे दे, थोड़ा सा है दूध पिला दे, रबड़ी दे, मलाई दे, खुरचन दे, मांगते मांगते बोले तत्पुरुष मदर्पणम, मुझे
समर्पित कर दो। करने से पहले अर्पित करो तो भी चलेगा, और करते समय अर्पित करो तो भी चलेगा, और करने के बाद अर्पित करो तो भी चलेगा। क्या अपना क्या है, तत्पुरुष सोमदर्पणम। ये अर्पण शब्द जो संस्कृत में है, इसको महाराज कोई जो लोग वैयाकरण है यहाँ कोई हुए तो उनके ध्यान में अर्पण शब्द दिलाता हूँ। जो व्याकरण नहीं जानते हैं उनके लिए तो किसी काम की बात। ये अर्पण शब्द की धातु है री। री गतौ प्रापणे च, गत्यर्थक और प्रापणार्थक, किसी को कुछ देना। फिर इससे री धातु से पुक प्रत्यय होकर के तब अर्पण शब्द बनता है। अपनी चीज दूसरे को पहुंचा देना, अथवा जिसकी चीज है उसकी चीज उसके पास पहुंचा देना, अर्पण समर्पण, ये योग है, महान योग है। तत्पुरुष मदर्पणम। एक सज्जन बोलते हैं, यत करोमि यदश्नामि यज्जुहोमि ददामि यत, यत तपस्यामि भगवन् तत् करोमि त्वदर्पणम्। मैं यत करोमि, मैं जो करता हूँ, यदश्नामि जो खाता हूँ, यत ददामि जो देता हूँ, यज्जुहोमि जो हवन करता हूँ, यत तपस्यामि जो तपस्या करता हूँ, तत् करोमि त्वदर्पणम्। हे प्रभु, मैं वो तुम्हें अर्पित करता हूँ। मम नाथ यदस्ति जोस्मि हम सकलम तद्देतवैव नाथ। मधुसूदन सरस्वती ने अद्वैत सिद्धि के अंत में एक श्लोक लिखा, ग्रंथस्यैतस्य यः कर्ता स्तूयताम वास निंदताम। इस ग्रंथ का जो कर्ता है उसकी आप स्तुति करो या निंदा करो। मयि नास्त्येव कर्तृत्वम् अभेदानुभवात्मनि। मुझमें तो कर्तापन है ही नहीं। त्वया कृतं तु फलभोक्त्वमेव मधुसूदन, यत् कृतं यत् करिष्यामि तत् सर्वं न मया कृतं। मैंने कुछ नहीं किया है, तब तुमने किया है। अब फल कौन भोगेगा, तुम भोगो, हमको नहीं चाहिए। तत्पुरुषोमदर्पणम्। शुभा शुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनै, संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। तो एक तो होता है धर्म, जो यज्ञशाला में होता है वैसा, और एक होता है परम धर्म, जो अयम तो परमो धर्मो यत योगेन आत्मदर्शनम्। योगाभ्यास के द्वारा आत्म साक्षात्कार परम धर्म है। इन दोनों में अपना बल होता है, जीव का बल। लेकिन भागवत धर्म वो होता है जिसमें अपना बल नहीं होता है, भगवान का बल होता है। यही बात जब तामस प्रकरण और तामस फल प्रकरण, तामस तामस प्रकरण ऐसा करके भागवत में श्री वल्लभाचार्य जी महाराज विभाग करते हैं, तो उसका अर्थ होता है गोपी को भगवत प्राप्ति जो हुई वो गोपी के बल से नहीं हुई, भगवान के अनुग्रह से हुई। कुब्जा को जो भगवत प्राप्ति हुई वो कुब्जा की साधना से नहीं हुई, वो भगवान के अनुग्रह से हुई। तो भागवत धर्म में अपना बल नहीं है, भगवान का ही बल है। तब इसका फल क्या होगा, तो शुभा शुभ फल इरेवम मोक्ष से कर्म बंधनै। तुम कर्मों के बंधन में बंधे हुए हो। कितने तो संचित कर्म हैं, अगणित। कहो कि ईश्वर गिन सकता है कि नहीं, उनको अनादि हैं, अनादि हैं। जब से ईश्वर है तब से कर्म भी हैं। इतने संचित कर्म हैं कि उनकी गणना संभव ही नहीं है। यदि उनकी आदि होवे तो ईश्वर भी उनकी आदि जाने, जब आदि है ही नहीं तो आदि जानेगा तो वो झूठी होगी। हाँ, अशुद्ध ज्ञान नहीं होता भगवान का।
तो संचित अनादि संचित कर्म है, फिर उनमें से जो प्रारब्ध लेकर के तुम्हारा ये शरीर बना है वो प्रारब्ध कर्म है, और अभी जो और कर्म करते जा रहे हो वो क्रियमाण कर्म है। क्रियमाण कर्म में विहित और निषिद्ध दोनों हैं। यदि कभी पश्चाताप करके प्रायश्चित करते हो तो प्रायश्चित कर्म और है। तो ऐसा कोई नहीं है सृष्टि में जिसके शुभ अशुभ इष्ट अनिष्ट फल देने वाले कर्म बंधन न हो। जो सृष्टि में पैदा होगा यदि पूर्व कर्म को स्वीकार नहीं करेंगे तो ये जन्म ही सिद्ध नहीं होगा। इस जन्म में जो हम सुख दुख भोग रहे हैं, इस जन्म में तो किया नहीं वैसा क्यों भोग रहे हैं, तो उनका मूल कारण होना चाहिए शुक्ल कृष्ण, कोई सफेद काला कोई काम पीछे का होना चाहिए। और इस जन्म में जो कर्म कर रहे हैं उनका फल अभी नहीं मिल रहा है, तो बिना फल दिए नहीं जाएंगे, आगे देंगे। तो कृत हानि अकृताभ्यागम की प्राप्ति हो जाएगी। बिना किए हम भोग रहे हैं और जो कर रहे हैं उसका भोग नहीं मिल रहा है, तो नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अनादि है, भगवान जानते हैं तुम्हारे कर्म को, अनादि रूप में भगवान जानते हैं, प्रवाह रूप में हो रहा है इसको भी जानते हैं, और ये छूटेंगे कैसे इसको भी भगवान जानते हैं। तो जो तुम्हें सुख दुख मिलने वाला है, अनिष्ट संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म, इनके द्वारा जो कुछ तुम जो चाहते हो सो मिलने वाला है, और नहीं चाहते हो वो भी मिलने वाला है। इष्ट अनिष्ट दोनों ही मिलेगा। अनिष्ट मिष्टम मिश्रंच त्रिविधं कर्मण फलम भवत्यत्यागिनाम प्रेत्य न च संन्यासिनाम यः। लो भाई, तो तुम कर्मों से बंधे हुए हो, और कोई कर्म तुम्हारा मन चाहा फल देने वाला है, और कोई कर्म तुम्हारे मन के विपरीत फल देने वाला है। लेकिन यदि कर्म को भगवान के प्रति अर्पित करते चलो, सब उनका हो गया। अरे इष्ट दें तो वो, अनिष्ट दें तो वो। जब तुम ये नहीं देखोगे कि हमको रूखी रोटी मिल रही है कि हलवा पूरी, जब ये देखोगे कि देने वाला कौन है। देखो, तुम्हारे घर में नौकर चाय लावे तुमसे और गिर जाए उसके हाथ से छन्नी दस्तरी, टूट जाए प्याला, फूट जाए चाय, बिखर जाए, तुरंत उसके ऊपर नाराज हो जाओगे, कहोगे हम जुर्माना करते हैं, तुम्हारी तनख्वाह में से काट लेंगे। और महाराज, तुम्हारी लड़की से लड़की को देखने के लिए होने वाला जमाई आया हो घर में, और उसके हाथ से चाय गिर जाए, प्याला फूट जाए, तस्तरी टूट जाए, तब क्या बोलोगे? हैं, पूछोगे कि अरे कहीं जला तो नहीं है, कहीं कपड़े पर तो नहीं पड़ा, कहीं तुम्हारे ऊपर तो नहीं गिर गया? क्यों? इसमें प्याले का महत्व नहीं है, वो चाय का महत्व नहीं है, प्याले का महत्व नहीं है। वो आदमी कौन है जिसके हाथ से गिर गया ना, आदमी का महत्व है। तो जब भगवान पर तुम्हारी दृष्टि चली जाएगी तब वो चिकोटी काटते हैं कि चपत मारते हैं। प्यारा है ना भाई, अपना प्यारा है। अब महाराज, किसी नौकर के हाथ से घड़ी या रेडियो गिर जाए तो नाराज होंगे क्यों गिरा दिया, और स्वामी प्रबुद्धानंद जी के हाथ से गिर जाए कहेंगे अरे भाई है ना, छूट के गिर, वो तो गिर गया, और नौकर से गिरे तो गिरा दिया, नौकर से गिरे तो गिरा दिया, और स्वामी जी से गिरे तो गिर गए। वो गिरने वाले का उसमें दोष है, गिराने वाले का नहीं, गिर गया। तो ये देखना है कि जब सब कुछ भगवान के प्रति अर्पित हो गया ना, तो वो कर्म बंधन नहीं रहा हो, वो प्यारे का बंधन रहा। ससुराल में जब ब्याह होता है ना, ब्याह होता है तो लड़की और लड़के का हाथ एक में बांध देते हैं, सिंधियों में तो बहुत देर तक, घंटे घंटे भर बांध रखने की आदत है। वो है और लड़की, एक लड़के का हाथ लड़की का, एक लड़के का, और दोनों को ऐसा बांधते हैं महाराज
कि घंटे घंटे भर ब्याह होता रहता है, बेचारे बंधे रहते हैं। तो बांधने वाले को है ना, और महाराज दूसरा कोई सिपाही बांधे तो चिल्लाएंगे, वो चिल्लाएंगे। तो उसमें मैं की कीमत नहीं है, साकी की कीमत है। जो पिए जाता है उसकी कीमत नहीं है, जो पिलाने वाला है उसकी कीमत है। तो भक्त के लिए जो है ना, वो इष्ट अनिष्ट दोनों देने वाला, वो पिलाने वाला भगवान है। अब तो कर्म बंधन नहीं है, प्यारे का बंधन। छोड़े न छूटे हैं, सिया जी को कंगन, सीता जी के हाथ में कंगन बजा था, राम जी से कहा कि एक हाथ से छोड़ो, अब वो छूटे ही नहीं उनसे महाराज। अब वो कंगन बांधते, ब्राह्मण लोग बांध देते हैं हाथ में कंगन, हाथ बांध देते हैं। यशोदा मैया ने क्या नाम है, उखल में रस्सी से बांध दिया हो और कृष्ण से नहीं छूटा, और तो नंद बाबा ने आके छोड़ा, नंद बाबा ने आके छोड़ा। तो ये प्यारे के हाथ का जो बंधन होता है वो बंधन नहीं होता है। ये जो स्त्री पुरुष आपस में एक दूसरे को गलबहिया दे के बांधते हैं, भुजपास में बांधते हैं, उस बंधन का नाम बंधन नहीं है। शुभ अशुभ फलैरेवम मोक्ष से कर्म बंधन है। ये कर्म बंधन तो अप्रिय जो कर्म बंधन है, जिसको हम नहीं चाहते हैं उसमें हमको बंधना पड़ता है। तो भगवान ने कहा हमको समर्पित कर दो और छूट जाओगे, तुम छूटोगे, हमको दे दो सब जिम्मेवारी, हम तुम्हारी लेने को तैयार हैं। हमारे कुछ वैष्णव सज्जनों ने ऐसे कहा कि देखो भाई, अच्छा काम हो तब तो भगवान को अर्पित करना, और बुरा काम हो तो भगवान को अर्पित मत करना। ये रामानुज संप्रदाय है, ऐसे चलता है। क्यों? बोले ये बात है, अच्छा काम करोगे तो वो भगवान के पास जाते ही हजार गुना, लाख गुना, अनंत गुना हो करके अक्षय फल का दान करने वाला हो जाएगा, और यदि बुरा काम भगवान को करोगे तो वो भी लाखों गुना हो जाएगा। बुरा काम भगवान को अर्पित मत करना, अच्छा काम भगवान को अर्पित करना, नहीं तो बढ़ जाएगा। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है, ऐसी करुणा है, कि जो अच्छा काम अपना भगवान के प्रति अर्पित कर देता है, वो कहते हैं भाई इसने अपनी धनाढ्यता तो हमको अर्पित कर दी, अब इसकी गरीबी क्या इसके पास रहने देंगे, उसकी गरीबी भी भगवान अपनी ओर से छीन लेते हैं। यही है सर्वधर्मान परित्यज्य, फिर अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तुम धर्म हमको अर्पित कर दो, हम तुम्हारे पाप को अधर्म को स्वयं लेकर उनको नष्ट कर देंगे। तो भक्त लोग क्या करते हैं, कहते हैं महाराज ये जो अच्छा अच्छा कुछ हमसे अनजान में हो गया है, इसका हमको अभिमान नहीं है, आप इसको ले लो। रही बात बुरी की, बुरे की सो तो हम भोग लेंगे। भगवान कहते हैं ना ना, निवेदन कर दिया ना तुमने, तो जब तुमने अपने को निवेदन कर दिया तो जो महाराज लड़का अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकार तो ले लेके, संपत्ति हमको मिल गई, और बोले कर्ज हम नहीं लेंगे, तो बेईमान लड़का हुआ ना। तो यदि भगवान अच्छा अच्छा ले ले और बुरा बुरा ना ले तो वो कहते हैं भाई जब इसने अपना खजाना हमको दे दिया तो इसका कर्ज भी हमारे ऊपर हो गया, वो कर्ज भी हम ही चुकावेंगे। सुबह सुबह फलई रे मोक्ष से कर्म बंधन, कर्म बंधन से छुट्टी मिल गई। लेकिन अभी कुछ रहा, कर्तापन जो है वो अभी गया नहीं। तो संन्यास जोग युक्त आत्मा, ये कर्म बंधन से मुक्ति हुई, इसके बाद हुआ संन्यास। संन्यास जोग युक्त आत्मा, संन्यास माने पूर्णतया हो ब्रह्म संबंध, भगवान के प्रति संपूर्ण रूप से केवल वस्तु और कर्म ने अपने आप को भी समर्पित कर देना। संन्यास जोग युक्त आत्मा, फिर कभी मुक्त, जीवन मुक्त, पहले मोक्ष से है, तो वहां तो मिलेगा क्या, कर्म बंधन से छूटने पर मिलेगी विदेह मुक्ति। ठीक है, जीवन में चाहे मुक्त हो चाहे ना हो, मरने पर विदेह मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन संन्यास जोग युक्त आत्मा विमुक्ता जीवन मुक्त हो भवति, इसी जीवन में वो जीवन मुक्त हो जाएगा, और दोनों को चाहे विदेह मुक्त हो चाहे जीवन मुक्त, दोनों को माम उपैष्यसि भगवान की प्राप्ति होती है।
किसी को जीवन काल में ही हो जाती है, किसी को मरने के बाद हो जाती है। तो अब यहाँ देखो भगवान ने अपने को बड़ा सरल बनाया। क्या बनाया कि चाहे पत्रम पुष्पम फलम कुछ तो हमको खिला दो, खाने को तैयार है, और चाहे जो कुछ करो दो वो हम लेने को तैयार है, और वहां प्रेम से खाऊंगा और यहाँ तुम्हें बिल्कुल जीवन मुक्ति का दान करूंगा। तो बोले भाई ये तो गड़बड़ की बात करे। क्या गड़बड़ की बात? कि जो भगवान को समर्पित करे उसको तो मुक्त कर देंगे, और जो समर्पित न करे उसको बंधन में रखेंगे। तो भगवान में विषमता आई ना, विषमता आई। अपने रिश्तेदार के प्रति तो बड़े उदार हैं, अपने रिश्तेदार के प्रति तो बड़े उदार। वो हंसदेव जी महाराज थे ना, हंसदेव जी महाराज आप लोग तो जानते होंगे, बहुत प्रसिद्ध महात्मा थे। भड़ौच में भी उनका आश्रम है। तो मैं एक बार उनके पास गया तो हमको सुनाया उन्होंने अपनी जीवनी। हाँ, मैं ऊटी में उनके आश्रम में जाकर रहा था। तो बोले कि मैं तो पहले कमर के ऊपर तो कपड़ा पहनता नहीं था, नंगे रहता था। एक माई आई हमारे पास कि हमको अपनी चेली बना लो। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं माई वाई को चेली नहीं बनाता हूँ। कहीं बोल रहे हो, पहले की बात है। तो वो माई जो है उसने जाके एक वैष्णव महात्मा से, रामानंदी से दीक्षा ले, उसकी शिष्या हो गई। अब एक दिन उसको गुरु जी घर में आने थे, तो उसने हमको भी बुलाया कि आप भी आइए भिक्षा कीजिए। तो मैं गया तो बाहर तख्ते पर हमको बैठा दिया कि जब भिक्षा तैयार होगी तो करावेंगे। और वैष्णव महात्मा को कमरे में ले जाके और गद्दा तकिया सब कालीन बिछा के हैं, और उनको खूब चंदन लगाया, माला पहनाई, पूजा करी, दक्षिणा दी। तब मेरे मन में आया कि अब मैं भी चेला बनाऊंगा। वो बोले कि भाई चेला चेली बनाने में बड़ा मजा है, और नहीं बनाने में तो ये देखो तख्ते पर बैठे हैं, रूखी सूखी मिलेगी खाने को। चेला चेली बनाते तो घर में जाते, कालीन पर बैठते, बढ़िया भोजन करते। तो हंसदेव जी कहते थे कि तब मेरे मन में आया कि मैं भी चेला बनाऊंगा। हंसते थे, खूब हंसाते थे, हंसते थे हंसाते थे। ऊटी में तो वो महाराज ठाट बाट था उनका। हमको जो कंबल ओढ़ने के लिए दिया था उसमें बिजली का कनेक्शन था, वो थोड़ा थोड़ा झीनी झीनी गर्मी, हल्का सा कालीन, वजन तो कुछ था हल्का सा, तो कंबल ओढ़ने का बहुत हल्का सा, और उसमें बिजली का करंट होने से और ठंड कम लगे, नहीं लगे ठंड। बड़े आनंद से रखा महाराज, खिलाया पिलाया अपने साथ बैठा के। तो ये चीला चेली जो है ना, तो अब कहते हैं कि नहीं भाई, मैं बेईमान नहीं हूँ, मैं विषम नहीं हूँ। ये नहीं कि अपने रिश्तेदार के लिए, जैसे सरकार में लोग कोई चले जाते हैं ना, तो भाई भतीजे को ऊंची पद भी दे देते हैं, और जिनसे कोई रिश्ता नाता नहीं है उनको मिलने का भी मौका नहीं है, और रिश्तेदार नातेदार हैं तो ऊंची पदवी पर पहुंच गए। क्या भगवान तुम भी ऐसे कुछ वैषम्य निर्गृण है तुम्हारे अंदर, जो तुम्हें पत्रम पुष्पम फलम अर्पित करते हैं, और कर्म और दान और ये सब होम देते हैं तुमको, उनका तो तुम करते हो पक्षपात, और जो नहीं देते हैं उनका तुम पक्षपात नहीं करते हो, उनके साथ निर्दयता करते हो। तो तुम्हारे अंदर क्रूरता वैषम्य है और निर्घृण्य है। वैषम्य माने पक्षपात और निर्घृण्य माने निर्दयता। औरों के प्रति निर्दय हो और अपनों के प्रति बड़े उदार हो, ये तो तुम्हारे अंदर दोष आया। तो भगवान ने कहा कि नहीं, ये दोष मेरे अंदर नहीं है। सफाई दे रहे हैं अपने, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मैते तेषु चाप्यहम्। क्या सफाई देते हैं देखो, बोले समोहम सर्वभूतेषु। देखो जी, जाति पाति का भेद नहीं है। अच्छा तब आकार का भेद होगा, कहीं स्त्री पुरुष का भी भेद नहीं है। अच्छा काले गोरे का भी भेद नहीं है, है? समोहम सर्वभूतेषु हो उसको देखो। सर्वभूतेषु माने चाहे देवता होए, चाहे पशु पक्षी होए, चाहे मनुष्य होए, चाहे दैत्य होए, दुराचार, चाहे कोई भी, सर्वभूतेषु सबके प्रति मैं समान। समोहम सर्वभूतेषु, क्योंकि मुझसे न किसी का द्वेष है, न किसी से कोई प्यार है।
न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। अरे बाबा, जो भगवान को जान लेते हैं उनके चित्त में भी राग द्वेष नहीं रहता है, तो भगवान में तो राग द्वेष की कल्पना करने ही बेकार है। सुहृन मित्रार जुदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधु स्वपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। एक महात्मा में भी साधु और पापी का भेद नहीं है, सबके प्रति समबुद्धि है। तो भगवान में समबुद्धि नहीं होगी, ये तो कल्पना ही काहे को करते हो। नहीं, पक्षपात तो देखने में आता है। हाँ, सदना कसाई से और जन्ना बाई से और सखू माई से तुम्हारी क्या दोस्ती थी कि उनका उद्धार कर दिया? पक्षपात करते हो। तो बोले हाँ, इसमें पक्षपात में बात यह है कि जैसे ठंड खूब पड़ रही हो और कहीं आग जल रही हो, तो आग किसकी किसकी ठंड दूर करेगी? जो उसके पास आवेगा उसकी ठंड तो आग दूर कर देगी। ये नहीं है, रोक नहीं है कि तुम मत आओ। आर्य धर्मे तराणाम प्रवेशो निषिद्धा है, ये भगवान के दरबार में ये नहीं लिखा है कि जो ब्राह्मण न होए वो न आवे, जो क्षत्रिय वैश्य न होए वो न आवे, जो पापी होए सो न आवे, सबके लिए दरवाजा खुला हुआ है। क्या द्विजाति क्या शूद्र, इसको वेश्या भी बच सकती है। भक्ति भाव में वेश्या को भी सुचिता कब तज सकती है? तो जो गूद गीद के महाराज प्रेमी है, गृद्ध के गीद से भी प्रेम करते हैं, जटायु की दूर जटान सौदा जा रही, जो महाराज बंदरों से प्रेम करते हैं, जो दैत्यों से प्रेम करते हैं, उनके लिए विषमता कहाँ? बस ये बात है कि उनके पास जाना चाहिए। कल्प वृक्ष खड़ा है, उसके नीचे आने के लिए रोक नहीं। कल्पतरु स्वभाव, कल्प वृक्ष अपनी जगह पर खड़ा है, अब जो उसके नीचे आ जाए उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी, और जो नहीं आवेगा उसको नहीं होगी। जो आग के पास आवेगा ठंड दूर हो जाएगी, और नहीं आवेगा तो ठंडाता रहेगा। समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, किसी प्रकार का बंधन नहीं है, क्योंकि भगवान के जो भी बच्चे हैं वो भगवान की गोद में जा सकते हैं। भगवान के बच्चे हैं कि नहीं? जो सब बापों का बाप है उसी का नाम तो भगवान है। अरे बाप होए, दादा होए, परदादा होए, कुछ भी होए, है तो सबका। तो सब बच्चों को ये अधिकार है कि भगवान की गोद में जाएं। जे भजन्ति तुमाम भक्त्या मैते तेषु चाप्यहम्। जो भक्ति के साथ भक्ति के द्वारा मेरा भजन करते हैं, भक्त्या भजन्ति, भजंती कहने से ही काम चल जाता। भक्ति और जैसे कोई कहे ना बदती, तो काम बन गया कि नहीं? बोले वाचा बदती, झूठ तो हो गया, बेकार हो गया। वाक्यम बदती, तो बदती से ही काम चल जाएगा, वाक्यम की क्या जरूरत है? वाचा बदती, बदती से काम चल जाएगा, वाचा की क्या जरूरत है? तो बोले कि भक्त्या भजंती, भक्त्या माने अन्य निरपेक्ष, भगवान की सेवा करते हैं भक्त्या। अच्छा, कौन सी सेवा करते हैं? एक भंगी है, वो महाराज के यहाँ बड़े प्रेम से सफाई करता है, अपना काम बिल्कुल ठीक करता है। और एक दीवान है, वो छल कपट से काम करता है, तो महाराजा का प्यारा कौन होगा? भंगी की दीवान भंगी होगा, क्योंकि उसके चित्त में सफाई है। दीवान होने से कोई प्यारा नहीं हो जाएगा, उसके पीछे भी CID होगा, उस CID के पीछे भी CID होगा, हैं? ये अपने अर्थशास्त्र में, चाणक्य के अर्थशास्त्र में CID के पीछे भी CID लगाने का विधान है। वो क्या करता है नारायण? तुझे भजन्ति तुमाम भक्त्या मैते तेषु चाप्यहम्। वो मुझ में है और मैं उनमें हूँ, मुझ में उनमें कोई भेद नहीं है, मेरे और मेरे भक्त में भेद नहीं है। यहाँ जात पात आकार स्वभाव ये क्या है कि ये भगवान का सौशील्य गुण इसको बोलते हैं। सौशील्य
इतने सुशील हैं, इतने सुशील कि यदि एक फूल ले जाके कोई भगवान को प्रेम से अर्पित करे तो सिर झुका के दोनों हाथ से ग्रहण करते हैं और अपने सिर से लगाते हैं। ओहो, इतने प्रेम से तुम फूल लेके आए हमारे पास, ये महाभारत में स्पष्ट है। सिरसा ग्रहणाति, सिरसा ग्रहणाति, भगवान के प्रति एक पुष्प समर्पित करो, दोनों हाथ फैला देंगे और लेके सिर झुका के आंख से लगावेंगे, बड़ा प्यारा फूल ले आया, ये सौशील ले आए उनका। वो ये नहीं देखते कि ये माली है कि ब्राह्मण है, ये अंत्यज है कि ये पशु है कि पक्षी है, क्योंकि भक्ति तो पशु पक्षियों में भी देखने में आती है। अयोध्या जी में तो एक ऊंट था हमारे सामने, वो महाराज उसके गले में ये बड़ी बड़ी माला डाल दी गई थी। अब वो बैठ के जैसे बैठ के सिर हिलावे, माला घूमती रहे, 108 माला का जप कर ले वो ऊंट। एक कुत्ता था गोरखपुर में, कल गीता प्रेस के बगीचे में जब कीर्तन हो तो आके वो भी नाचने लगता था। एक कुत्ता था हमारे बाबा रामदास के यहाँ, एकादशी व्रत करता था, एकादशी के दिन कितनी भी कोशिश करो वो रोटी नहीं खाता था, रोटी ले जाके भूसल जगह रख लेता। तो भक्ति करने में तो पशु पक्षी का भी अधिकार है। समोहम सर्वभूतेषु, भगवान सब में सम है। जे भजन्ति तुमाम भक्त्या मैते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्यभाक्। अब देखो जात पात की बात हो गई, अच्छा और वस्तु की भी बात हो, कर्म की। माने भगवान के लिए बड़ी वस्तु की जरूरत नहीं है, भगवान के लिए बड़े कर्म की जरूरत नहीं है, भगवान के लिए बड़ी जात पात आकार शील स्वभाव की जरूरत नहीं है। भगवान तो सबको मिलने के लिए तैयार, दरवाजा खुला, हाथ फैला हुआ। बोले एक बात है, दुराचारी से तो भगवान परहेज जरूर करते होंगे। अरे बाबा, भगवान जिससे परहेज करेंगे उसको सत्ता लाभ ही नहीं होगा, होगा ही नहीं। भगवान जिससे परहेज करेंगे उसमें है कहां से आवेगा, है तो सब में है, जो आवेगा वो तो भगवान से ही आवेगा ना, उसमें होश कहां से आवेगा। सत्ता स्फूर्ति तो भगवान के बिना आवेगी ही नहीं। वपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्यभाक्, साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः, क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्तिं निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। मां हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः, स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा तेऽपि जान्ति परां गतिं, किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा, अनित्यमसुखं लोकं इमं प्राप्य भजस्व मां, मन्मना भव मद्भक्तो मद्व्याजी मां नमस्कुरु, मामेवैष्यसि युक्त्वैवं आत्मानं मत्परायणः। ये भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ये है, अब आपको कल ये है भगवद्गीता। आंति जोनि अधिक्रियते पारंपर्यात सामान्यम अपि चेत् सुदुराचारो। भगवान कहते हैं हमारी आंख में एक बार ऐसी दवा पड़ गई है कि उससे हमारा कोई नाम लेता है तो वो दिख जाता है, हमारा नाम लेता है तो हमारे कान में सुनाई पड़ जाता है और नाम लेने वाला हमको दिख जाता है, लेकिन उसने अब तक क्या क्या काम किया है वो हमारी आंख से दिखता ही नहीं। भगवान के काम का आंख में कोई ऐसी विशेषता है। देखो हाथी की आंख में ऐसी विशेषता है कि उसको आदमी पहाड़ की तरह दिखाई पड़ता है, भौरे की आंख में कोई ऐसी विशेषता है कि फूल का जो एक कण है सूक्ष्म से सूक्ष्म, उसमें क्या रस है इसको भौरे की आंख देख लेती है और उसकी नाक सूंघ लेती है। भगवान की आंख नाक कैसी है महाराज, वो जहां जरा भी भक्ति होए तो उसको ऐसा पकड़ते हैं महाराज कि कुछ देखते ही नहीं, न जाति देखे, न आकार आचार देखे, न आकार देखे, न सील देखे, न स्वभाव देखे,
बस ये देखते हैं कि ये क्या, इसी को मेरा नाम ले रहा था। अरे भाई मेरे नाम की बदनामी नहीं होनी चाहिए, अपिचित दुराचार, हटाओ हटाओ दुराचार, दुराचार को हटाओ, दुराचारी को ले आओ। अच्छा अब ये बात कल सुनाऊंगा।